मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धार्थ किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं फिश करी। फिश करी के लिए हमने फिश ले लिया है, 1 केजी है। उसका मसाला है ये लहसुन है, सरसों, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, टमाटर और ये धनिया पत्ता। इसमें थोड़ा हल्दी और नमक देके हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे। जैसे देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है हल्दी लहसुन नमक दे करके, और मेरा कढ़ाई भी ये गर्म हो गया। इसमें हम लोग डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद इसको हम फ्राई करके निकालेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, मेरा तेल भी गर्म हो गया है। इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग फिश को फ्राई करके निकालते हैं। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों, मैंने मछली फ्राई करने के लिए डाल दिया है दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम में, और फिर इसको फ्राई करके निकालेंगे। जैसे देख रहे हैं दोस्तों, दोनों तरफ से इस तरह से हल्का ब्राउनिश हो गया है, और अच्छी तरीके से मीडियम आंच पर फ्राई करके इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, ये मछली फ्राई हो गई है। इसी तरह सारे मछली को हम लोग फ्राई करके निकाल लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, ये दूसरी भी मछली फ्राई हो रही है, इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई करके हम लोग निकाल लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मेरी ये मछली फ्राई होकर के निकल गई है, और हम लोग चलते हैं मसाला की तैयारी करते हैं। मसाला के लिए हम लोग कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, और ये आपको मेथी और अजवाइन है जिसमें हम लोग फ़ोरन इसको डालेंगे। तो जो हमने सरसों पीस करके रखा है तो उसको हम लोग डाल दिए हैं। इसमें हल्दी, मिर्चा, टमाटर इसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों, जैसे मैंने सारे मसालों को इसमें ऐड कर दिया है, हल्दी, मिर्चा, नमक, लहसुन, सरसों, इसको हल्के हल्के पानी दे करके हम लोग 10 मिनट इसमें हम लोग इसको भूजेंगे। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों, मैंने चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसको चला दिया है, और इसको बारीक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से इसको चला देंगे 10 मिनट। मसाला अच्छी तरीके से भुज के उसके बाद ही इसमें हम लोग पानी को ऐड करेंगे। मसाला अच्छी बुझाएगा तो वो फिश भी बहुत अच्छा इसका ग्रेवी निकल के सामने में आएगा। हम लोग दोस्तों कलर मिर्चा ऐड कर दिए हैं। कलर मिर्चा ऐड करने से इसका कलर भी बहुत अच्छे तरीके से निकल के सामने में आता है, और इसको अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर हम लोग भूज लेंगे। भूजने के बाद इसको पानी ऐड करेंगे। लगभग हम लोग के मसाला 50% भुजा गई है, और इसको और सिर्फ 5 मिनट और भूजने के बाद अच्छी तरीके से इसको भून लेते हैं। भूजने के बाद इसमें हम लोग पानी को ऐड करेंगे, और अच्छी तरीके से मसाला नहीं भुजाएगा तभी वो तीतापन रह जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि मसाला जो है प्रॉपर हम लोग का भुजाए। तो फाइनली दोस्तों, हमने इसमें पानी को ऐड कर दिया है, और ये थोड़ा सा खोल जाए उसके बाद से हम इसमें फिश को ऐड करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, देख रहे हैं जैसे कि हमने इसमें फिश को डाल दिया है, और ये 2 से 3 मिनट ग्रेवी इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा, फिर हम लोग इसको उतारेंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग की फिश करी बन करके तैयार हो गई है, और आप भी इसे बनाइए और खा के बताइए कि कैसा बनता है। थैंक यू।